लोकसभा में सरकार ने गरीबी को लेकर आंकड़े बताए हैं जो हैरान करने वाले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश की 22% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रही है, जबकि देश की आज़ादी के वक्त करीब 80% आबादी गरीब थी। लेकिन अगर प्रतिशत के आंकड़ों को निकाल दें तो पता चलता है कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था उस वक्त 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और आज ये आंकड़ा करीब 27 करोड़ लोगों का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य यूपी बिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है। यहाँ 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, यानी 10 में से हर चौथा नागरिक गरीब है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। देश की आज़ादी के बाद पहली बार 1956-57 में गरीबी रेखा का रिकॉर्ड मिलता है। तब 21.5 करोड़ यानी तब की 80% आबादी गरीब थी। 1973-74 में 55% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आई। 1983 में गरीबी रेखा का आंकड़ा घटकर 45% पर आ गया। 1999-2000 में 26% आबादी गरीब थी। वहीं 2011-12 से 21.9% आबादी गरीबी में रह रही है। गौर करने वाली बात यह है कि गरीबी रेखा का ये आंकड़ा आखिरी बार 2011-12 में ही जारी किया गया था, यानी उसके बाद सरकार की तरफ से गरीबी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सरकार ने देश में गरीबी की परिभाषा भी बताई है, जिसके मुताबिक गांव में रहने वाला कोई नागरिक अगर 816 रुपए और शहर में रहने वाला नागरिक 1000 रुपए प्रति महीने खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा, यानी इससे कम रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगा। लोकसभा में सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, यानी हर 100 में से करीब 22 लोग गरीब हैं।